अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके साथ आपका फिजिकल होना ज़रूरी है क्या? देखिए, ये जो वर्ड है ना सेक्स, उसके साथ हमारी बहुत सारी समस्या इसलिए है क्योंकि हमने सेक्स शब्द को बहुत ज़्यादा डेंजर बना दिया है। हालांकि ये है नहीं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में होगा ना, हमारे अस्तित्व का कारण ही वही है। और हमने उन चीज़ को इतनी अपने से दूर रखने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो चीज़ सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, हम कुछ अलग तरह से उस वर्ड को सुनने या समझने लगे। थोड़ा सा हमारा क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए उस चीज़ के बारे में, तभी हमें समझ में आएगा कि वो हमारी लाइफ में कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न में बहुत लोगों को ये होता है, लड़कों को ये कन्फ्यूज़न होता है, और ग्रुप में लड़के एडवाइस देते हैं कि अगर तूने किसी लड़की के साथ एक बार फिजिकल रिलेशन बना दिया ना तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। ये कोई सच नहीं। बहुत सारे लड़के मेरे पास आते हैं, कॉल पे बात करते हैं कि उनका फिजिकल रिलेशन हो गया था, फिर भी वो लड़की उसको छोड़ के चली गई थी। हाँ, एक लड़की जब किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो वो हर किसी के साथ नहीं बनाती, तो उसका रिश्ता इतना अच्छा था कि उस लड़के पे वहाँ तक भी वो ट्रस्ट कर सकती थी, वहाँ तक उसका ट्रस्ट था कि वो फिजिकल रिलेशन बनाए। और बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर लड़के ने फिजिकल रिलेशन बना दिया तो वो भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि 100% सारी चीज़ें ऐसी ही होती है। सम टाइम ये चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती है, सम टाइम ये चीज़ें आपको लॉस देगी, क्योंकि जिसका टारगेट ही जस आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना था, ऑफकोर्स वो वहीं तक जाएगा और आगे से भाग जाएगा। लेकिन जो पर्सन इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व है, उसका एक बॉन्ड आपके साथ बन गया, वहाँ पे वो कोई ख़तरा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि हर लड़की अगर आपके साथ फिजिकल बना ले रिलेशन तो वो कभी नहीं जाएगी, उसका बॉन्ड नहीं होगा, वो भी चले जाएगी। लड़के ने फिजिकल बनाया, आपके साथ नहीं करा रिश्ता, अगर उनका बॉन्ड नहीं होगा तो वो भी चला जाए। फिजिकल एक रिलेशन में एक बहुत अच्छा रिश्ता है ना, वहाँ पे फिजिकल रिलेशन हो तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि आप फिजिकल रिलेशन रखो ही रखो, इससे आपको रिश्ते में बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से चीज़ें होती है ना कि पहले हम मन से, दिल से और फिर शरीर से भी एक होते हैं, और यही रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में तो एक फिजिकल रिलेशन बनता है, और वहीं पे तो आपको अट्रैक्शन और वो मोमेंट मिलते हैं। तो इन चीज़ों को समझना कि जैसे हम पहले फ़ोन पे बातें करते हैं, फिर उसके बाद हम फेस टू फेस मिलते हैं, तो पहले से ज़्यादा जब हम रियल में आ जाते हैं, लाइव में आ जाते हैं, तो हमारा जो ट्रस्ट होता है सामने वाले पर्सन, क्योंकि वो दिख रहा है, एकदम खड़ा है हमारे सामने, तो बढ़ेगा। अगर हम उसका हाथ पकड़ेंगे तो धीरे धीरे उनको लेकर ट्रस्ट हमारा बढ़ेगा, एक दोनों का बॉन्ड क्रिएट होता है। तो उसी तरह से पहले हमारे मन में उसके लिए विश्वास बनता है, एक रिस्पेक्ट बनती है, जब वो फिजिकल रिलेशन बनता है तो फिर चीज़ क्या होती है कि हमारे माइंड में एक चीज़ होती है ना कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, ओपोजिट जेंडर है, उनके लिए शर्माना, उनके बारे में वो क्या सोचता होगा। तो एक जो कन्फ्यूज़न, एक बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन दूर में होती, एक बहुत अच्छे रिश्ते में जब वो फिजिकल बन जाता है ना तो चीज़ें अलग हो जाती है। और कहीं समय पे चीज़ें ऐसी होती कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में स्पेशली, क्योंकि घर में तो आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ों पे मनमुटाव होते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब एक फिजिकल रिलेशन होता है तो कई रिश्तों में तो एक रीढ़ की हड्डी बन जाता है फिजिकल रिलेशन, वहाँ पे बेनिफिट भी काम कर जाता है, एंड एक तरह से वो ट्रस्ट भी बिल्ड करता है कि ये लड़का और ये लड़की हम दोनों फिजिकली भी हुए, इतने अच्छी तरह से कनेक्टेड। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी सोच समझ के साथ करो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सेक्स कितनी बड़ी बात है, अगर किसी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं नहीं एक बार मैंने इसके लिए कर लिया तो अब मुझे इससे ही शादी करनी होगी, ये तो मेरे से पाप हो गया, तो उनको कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ तक है, ओके यहाँ पर ऐसा होगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं, क्योंकि समटाइम आपका जो पार्टनर होता है आपका मन नहीं करता, आप अभी तक इस रिश्ते में इतना कम्फर्टेबल फील नहीं करते कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, तो पर्सन फोर्स करता है कि नहीं तुम करो ही करो, तो किसी के प्रेशर में अपनी मर्जी के खिलाफ और तुम्हें लगता है कि सही टाइम नहीं है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये कोई रूल नहीं है कि सच्चा रिश्ता है, इसको निभाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये एक रास्ता है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, ठीक है, आप दोनों की ट्यूनिंग बनने में, बॉन्ड बनने में, सही रिश्ता होगा तो।
अदरवाइज इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने कोशिश की है समझाने के लिए एंड आपको समझ में आई होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें एंड चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।